नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिनांक 12 मई 2024 को ग्राम पटवार में गोली चलने की सूचना प्राप्त होने पर घटना में घायल शिल्पा सिंह राजपूत निवासी पटवार थाना सलीमनाबाद की रिपोर्ट पर से विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध थाना सलीमनाबाद में अपराध क्रमांक 259/2024 धारा 294/307 भादवी का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष देहरिया और SDOP सलीमनाबाद अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सलीमनाबाद अखिलेश दाहिया द्वारा मामले के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। आरोपी की तलाश पतारसी करते आज दिनांक 15 मई 2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना सलीमनाबाद के धारा 307 भादवी का विधि का उल्लंघन करने वाले बालक टोल प्लाजा के पहले से हो रहा हिरण नदी पुल के पास खड़ा होकर भागने के लिए किसी साधन का इंतजार कर रहा है। प्राप्त सूचना पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मामले का आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम विधि का उल्लंघन करने वाले बालक थाना सलीमनाबाद का होना बताया, जो विधि विदुरद बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया और मुताबिक मेमो पटवार के जंगल सागौन प्लांट पानी की टंकी के पास लगे महुआ के झाड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर पिस्टल और राउंड छुपाकर रखा था, जिसे विधि विरुद्ध बालक के कब्जे से जब्त कर कब्जा पुलिस किया गया और विधि विरुद्ध बालक का अभिरक्षा पत्रक तैयार कर अभिरक्षा में लिया गया। निरीक्षक थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया, उप निरीक्षक संतराम यादव, काशीराम झारिया, सहायक उप निरीक्षक BM चौधरी, प्रधान आरक्षक अंजनी मिश्रा, तेज प्रकाश सिंह, आशीष शर्मा, अंकित दुबे, जय सिंह, आरक्षक मनीष पटेल, जय रजनीश, ब्रजेश सोने सिंह, अभिषेक रजावत, राजा साहू, सौरभ पटेल की विशेष भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। ये दिनांक 12/5/2024 को पटवार अंतर्गत जो गोली चालन का घटनाक्रम हुआ था, उसके संदर्भ में जो फरार विधि उल्लंघनकारी बालक था, जो नाबालिग है, उसको आज हमारी जो सिविल पुलिस के रूप में जब हमने भेज के उसको पता लगवाया था, तो वो ये सियोरा के पास जो टोल नाका है वहाँ पर उसकी लोकेशन मुखबिरों के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो लगातार पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। आज उसे वहीं जंगलों के पास से अभिरक्षा में लिया गया, जिसने पूछताछ करने पर घटना होना स्वीकार किया और घटना के पीछे का उसने कारण बताया कि उसकी जो नाबालिग प्रेमिका है, उसकी माँ से इसका वाद विवाद था। वह चाह रहा था कि उसकी प्रेमिका उसके साथ रहे और माँ अपनी बेटी को इसके पास रखने को तैयार नहीं थी। इस कारण से उसी चीज़ को लेके वाद विवाद हुआ और विगत कई दिनों से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे, जो जग जाहिर हैं, उसी को लेकर इनके बीच में तनातनी हुई और लड़के ने अपने पास जो अवैध रूप से पिस्टल खरीद के रखी हुई थी पिछले 1.5 सालों से, उससे इसने गोली चला दी। इसमें प्रथम दृष्टया 307 तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें लगाई गई थी और जो पीड़िता महिला थी उनके मृत्युकालिक कथन भी व्यवस्थित कराए गए थे, अभी वो इलाजरत हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि ये विधि उल्लंघनकारी बालक है, इसके द्वारा पिस्टल जबलपुर के एक बदमाश माड़ोताल थाना के मानस उपाध्याय उससे खरीदी गई थी, जिसकी तस्दीक की जा रही है। मानस उपाध्याय पिछले वर्ष 2023 में इसकी हत्या कर दी गई थी। इसी तथ्य को अभी पुलिस के द्वारा जांचा जा रहा है कि इसके द्वारा पिस्टल वहीं से प्राप्त की गई थी। अभी इसमें किसी प्रकार का कोई संगठित रूप से कोई अपराध होना नहीं पाया गया है, ये व्यक्तिगत पारिवारिक झगड़ा था, उसी झगड़े की तनातनी के बीच में ये घटनाक्रम हुआ है। इसमें अन्य कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया है। अभी न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को अभी अनुमति से अभी और भी पूछताछ की जाएगी। फिर आरोपी के इसके पहले भी कोई थाने में शिकायत नहीं, इसके पहले इसकी किसी थाने में कोई शिकायत नहीं रही है, क्योंकि बालक अभी नाबालिग है और पूर्व में इसने जरूर ये बताया है कि एक बार शहर में रात्रि गश्त के दौरान इसको पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु रोका गया था, लेकिन किसी थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका अभी तक नहीं है।